राजस्थान के बीकानेर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि फादर्स डे से एक दिन पहले ही एक युवक ने मानवता के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है, जहां कलयुगी बेटी ने पैसों के लेन देन को लेकर अपने ही पिता की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर परनाया शहर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पीबीएम अस्पताल के मोर्चे में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार ये वारदात बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र की सर्वोदय बस्ती की है, जहां बीती रात करीब 11 बजे सर्वोदय बस्ती में रहने वाले अशोक मेधवाल ने अपने ही पिता रामचंद्र के पेट में चाकू से वार कर उनकी हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार आरोपी अशोक मेधवाल शराब व नशे का आदी था। उसने शराब पीने के लिए कई लोगों से रुपए उधार लेकर रखे हुए थे, लेकिन वह रुपए नहीं चुका रहा था तो देनदार उसके परिजनों को परेशान करते थे। बताया जा रहा है कि आरोपी अशोक मेधवाल ने एक व्यक्ति से 10,000 रुपए लिए हुए थे, जो वापस नहीं लौटाए थे, जिसकी व्यक्ति ने आरोपी अशोक के पिता रामचंद्र को शिकायत कर दी। वहीं पिता रामचंद्र ने जब अशोक को डांट लगाई तो शराब के नशे में धुत अशोक ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी। ये जो मृतक है रामचंद्र, इसके बेटे का किसी साध नाम के आदमी से कोई पैसे का लेन देन था। लेन देन के सिलसिले में जैसा कि इन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कराया है, लेन देन के सिलसिले में साध ने कोई कल मृतक के साथ कोई हड़की फुड़की मारपीट की थी। मारपीट के बाद में जब मृतक घर आया तो घर आने के बाद उस बेटे को उसने इस बात का ओढ़ मार दिया, कभी तेरी वजह से मुझे दुख पड़ना पड़ रहा है, मेरे साथ लोग वारदात कर रहे हैं। इस चक्कर में दोनों ही जैसा कि बता रहे हैं कैटरिंग किए हुए थे, तो दोनों के आपस में झगड़ा हो गया। झगड़े की हालात में बेटे ने चाकू बोल दिया अपने पिता की। क्या अपराधी रिकॉर्ड है कोई? और तो सर अभी जाँच का विषय चेक कर रहे हैं सर, तो देखिए आगे क्या करोगे। अभी अभी सर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उसके बाद में आगे जो भी उनको वैसे डिटेन कर रखा है, आगे पूरी जाँच पड़ताल करके आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में आरोपी अशोक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस जांच में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद की रिपोर्ट।